एसएससी कांस्टेबल जीडी हमारे साथ में कुछ कैंडिडेट्स हैं। देखें, इनसे बात करते हैं क्या स्कोर बन रहा है, मेडिकल कैसा हुआ, फिजिकल कैसी तैयारी इनकी चल रही है। अभी फिजिकल थोड़ा सा रेस्ट भी रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा फिजिकल के लिए चेस्ट कम हो जाए। तो बताइए, आप बताइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप आए हैं वो बताइए, और क्या स्कोर बन रहा है, कैसा चेकअप हुआ उसके बारे में बताइए। जी बताओ। सर, मेरा नाम प्रकाश डोडवड़े है। मैं डेगाना नागौर राजस्थान से हूँ और मेरा नागौर। रो स्कोर 150 मार्क्स है अभी, और रनिंग मेरी अंडर 20 के मिनट्स के अंदर आ रही है। लेकिन मेरा ज़्यादा रनिंग के कारण मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी चेस्ट या फिर नोक नहीं हो सकती है, या फिर मतलब बोन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन यहाँ आके मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। लेकिन एक जो हल्का सा जेनुअन आपने बताया कि पॉइंट है जो मेरे डीएनएस का, तो सर वो आपने एक्सरसाइज बताई वो मैं ट्राई करूँगा और जहाँ तक बिल्कुल, होगा उसे ठीक करूँगा। बहुत बढ़िया। मेरा नाम प्रणव कुमार, मैं यूपी से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से हूँ। जो मेरे कुछ डाउट्स थे यहाँ के क्लियर हुए। मेरा स्कोर 157 है। जिन डाउट को मैं क्लियर करना चाहता था वे डाउट मेरे सभी सर के द्वारा क्लियर हो चुके हैं, और उन डाउट को मैं अब पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करूँगा। अभी कॉन्फिडेंट हैं कि फिट हो जाएंगे? अब तो कॉन्फिडेंस है ही पूरा, अब तो बिल्कुल, ठीक हो दे जाएंगे। दो। गुड्डू कुमार। मेरा नाम गुड्डू कुमार है, मैं बिहार से आया, और मेरा 127.5 नंबर है, जो फिजिकल कटअप से 28.5 नंबर ज़्यादा। और मुझे वेट का प्रॉब्लम था और चेस्ट का भी प्रॉब्लम, बट वो डाउट अब क्लियर हो गया। अब मुझे अच्छा फीलिंग हो रहा है, सर ने उसके लिए एक्सरसाइज भी बताए हैं और क्या खाना है डाइट में जिससे वेट इंक्रीज हो जाए और उससे रिकवर अच्छा हो। तो सारे यहाँ आने से तो मेरे को लग रहा है कि मैं पास हो जाऊँगा, तो अच्छा लग रहा है। मेरा नाम कृष्णा कुमार यादव है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा 111 नंबर है। जो भी मेरी थी डाउट वो सारी ठीक हो गई। थोड़ी सी मेरे जो पैर के अंगूठे में दिक्कत है। मेरा नाम अभिलाष सिंह राठौड़ है, मैं कुसामन सिटी से हूँ। मेरा हाई स्कोर 146 है और मेरे जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए। अब मुझे कॉन्फिडेंस है। मेरा नाम चनाराम है, मैं डेगाना नागौर से हूँ, और मेरे रो स्कोर है 147 है, और रनिंग वगैरह ठीक है। यहाँ पे कुछ मेडिकल से डाउट थे तो सर के पास आने से वो डाउट क्लियर हुए हैं। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा रॉ स्कोर है 152 नंबर, और मेरे कुछ डाउट्स थे जो नौकरी को लेकर थे, यहाँ पे आया हूँ और सर ने बताया एक्सरसाइज करने के लिए। उम्मीद है कि अब सही हो जाए। तो आप पिछली बार भर्ती में आपके साथ क्या हुआ था वो भी बताइए। पिछली बार मेरा स्कोर था 132 नंबर, और मेरा फिजिकल में चेस्ट में छट गया था। मैं चेस्ट में रह गए थे जी सर। तो इस बार अच्छा काम कर रहे हैं, चेस्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं जी सर। और दूसरे बच्चों को भी ये कहना चाहेंगे कि फिजिकल में ही बाहर नहीं हो जाना, रनिंग में बाहर हो जाए तो देखिए दूसरी बात होती है, लेकिन चेस्ट तो अपने हाथ में है जी सर। हालांकि रनिंग भी अपने हाथ में ही है जी सर, क्योंकि रनिंग में दूसरे को नहीं दौड़ना, नहीं सर दौड़ना हमें ही है जी सर। लेकिन चेस्ट जो है वो तो हम पहले से कि मेरा चेस्ट 81 है, मेरा चेस्ट 82 है तो मैं पास हो जाऊंगा जी सर। रनिंग तो चलिए हो सकता है उस दिन बहुत ही मतलब इसको कहते हैं ना बैड लक हो और पैर में इंजरी दर्द हो हो जाए, जाए और कुछ इंजरी हो जाए जी सर, या हम 200 मीटर दौड़ के बंदा गिर जाए, कोई दूसरे का पैर लग जाए, वो बैड लक अक्सर आर्मी की जो रनिंग होती है उसमें होता है जी सर, कि कहीं नंबर पीछे आ गया आगे आ गया। तो चेस्ट पे काम करना है आपका, आपका स्कोर बहुत अच्छा है। पंचायत सहायक में आप काम करते हैं अभी जी सर, तो वो क्या संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे है वो जो? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट पे जी सर। तो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग तो ये है कि निश्चित रूप से भर्ती हो जाएंगे जी सर, हो जाएंगे जी सर। लेकिन अभी अपने पास जो टाइम है कितना समय बचा है अभी? मेरे पास अभी 1 महीने 10 दिन लगभग बचा है। एक महीना 10 दिन बचा जी सर। 30 अक्टूबर को जी सर, 30 अक्टूबर को होना है। तो तब तक थोड़ा सा डाइट में सुधार करना है जी सर, एक्सरसाइज में सुधार करना है। रनिंग आप लोग जो ज़्यादा कर रहे हैं उससे भी क्या होता है कि एक समय के बाद वेट घटना कम हो जाता है जी सर। ये जितने भी मैराथन वाले होते हैं वो क्या सब दुबले पतले होते हैं जी सर, और जो 100 मीटर 200 मीटर वाले होते हैं उसैन बोल्ट के तगड़े होते हैं, वो तगड़े होते हैं जी सर, क्योंकि उनका पावर ज़्यादा नहीं लगता। और जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग करता है तो 10 किलोमीटर करने की जरूरत नहीं है, 5 भी पूरा कर लेंगे बहुत। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल कुमार है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ। मेरे कुछ डाउट थे जिसको मैं सर से क्लियर कराना चाहता था। अब मेरे को मेडिकल करा के ऐसा लग रहा है कि मैं मेडिकल फिट हो जाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। आए तो नर्वस होकर थे लेकिन जा रहे हैं कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सभी आप लोग WA के ऑनलाइन स्टूडेंट हैं? सभी सभी RWA के। चलिए बहुत बढ़िया, जाए।